हेलो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा इतिहास की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने सिनेमा को ही बदल कर रख दिया और सफलता के उस स्थान पर पहुंची जहां पर किसी भी फिल्म या आने वाली फिल्मों का पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसे में बात कर लेते हैं हम शोले की कुछ अनसुनी बातों के बारे में जो शायद आप लोग नहीं जानते हों। फिल्म शोले एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज़ किया गया था 15 अगस्त 1975 को और फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था उन्हीं के पिता जेपी सिप्पी ने और फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा था सलीम जावेद की जोड़ी ने और फिल्म के गाने के साथ इसके डायलॉग भी इतने पॉपुलर हुए थे कि इस फिल्म के डायलॉग की अलग से ऑडियो कैसेट के साथ इसे रिलीज़ करा गया था और ये भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके डायलॉग को अलग से ऑडियो कैसेट में रिलीज किया गया था। हालांकि जब यह फिल्म बन रही थी तब इस फिल्म का बजट 1 करोड़ था और फिल्म बनते बनते इसका बजट इतना बढ़ गया कि यह फिल्म 3 करोड़ में बनकर तैयार हुई और इसने उस समय इंडिया में 15 करोड़ और दुनिया भर में 35 करोड़ की कमाई की थी, जो कि 1975 के हिसाब से यह बहुत बड़ा नंबर था और उस समय इस मूवी ने नया इतिहास रच दिया था सबसे ज्यादा कमाई करने का। उस टाइम पर इस मूवी को देखने के लिए 10 करोड़ लोग सिनेमा घरों में आए थे, जो कि ये भी उस टाइम का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। ऐसे में चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। फिल्म शोले बनाने का जो आइडिया था वो आया था सलीम जावेद के दिमाग में और इस फिल्म का आइडिया लेकर सलीम जावेद सबसे पहले प्रकाश मेहरा के पास पहुंचे थे, लेकिन प्रकाश मेहरा उस टाइम सलीम जावेद की ही लिखी कहानी फिल्म जंजीर के ऊपर काम कर रहे थे और वो काफी ज्यादा बिजी थे। फिर उसके बाद सलीम जावेद ने शोले की बेसिक स्टोरी का आइडिया लेकर के मनमोहन देसाई के पास पहुंचे, लेकिन उस समय मनमोहन देसाई उस टाइम कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, जिसके बाद वे शोले फिल्म का बेसिक आइडिया लेकर डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पास गए और उन्हें शोले फिल्म का आइडिया काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उस टाइम पर 1.5 लाख रुपए देकर इसका आइडिया बुक कर लिया था और सलीम जावेद को कहा कि इसकी पूरी स्टोरी बहुत जल्द तैयार करो, जिसके बाद इस जोड़ी ने 1 महीने के अंदर ही फिल्म शोले की कहानी कम्प्लीट कर ली और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही फिल्म के सारे कैरेक्टर और सारे डायलॉग को लिख लिया था और सबसे पहले फिल्म शोले की कहानी में ठाकुर का जो कैरेक्टर है उसको एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर रखा गया था और 2 किरदार रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के रखे गए थे, तो अपनी गलती की वजह से आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे। और जब इस कहानी का आइडिया रमेश सिप्पी को सुनाया तो उन्होंने सलीम जावेद से बोला कि फिल्म के अंदर आर्मी कैरेक्टर को इंक्लूड करने में आगे फिल्म को आर्मी की लोकेशन में फिल्म को शूट करने में काफी दिक्कत आएगी। इस वजह से रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद को इस फिल्म की स्टोरी चेंज करने को बोला, तो सलीम जावेद ने कहानी को थोड़ा बदल कर ठाकुर को एक पुलिस ऑफिसर और अगले 2 कैरेक्टर को चोर के तौर पर रखा था। इसके बाद रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाने का डिसाइड किया। रमेश सिप्पी चाहते थे एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो कि बॉलीवुड में आज तक बनी ना हो, तो ऐसे में रमेश सिप्पी इस पूरी फिल्म को 70 mm की रील पर शूट करने का डिसाइड किया और उस टाइम पर भारत में 70 mm की रील पर शूट की जाती थी और 70 mm की रील से फिल्म को शूट करना भारत में बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि उस टाइम पर यह तकनीक खाली हॉलीवुड फिल्मों के लिए ही यूज की जाती थी, लेकिन रमेश सिप्पी इस फिल्म को बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर बनाने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने विदेश से 70 mm की रील और बहुत सारे विदेशी टेक्नीशियन को बुलाकर उन्होंने फिल्म के ऊपर काम करने का डिसाइड किया और रमेश सिप्पी ने इस फिल्म की कास्टिंग के लिए सबसे पहले तो अपनी ही 1972 में आई फिल्म सीता और गीता की स्टार कास्ट से ही हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार को फिल्म के लिए साइन कर दिया। हेमा मालिनी को सबसे पहले बसंती का किरदार दिया गया, लेकिन हेमा मालिनी एक तांगे वाली का रोल निभाने के लिए काफ़ी झिझक रही थी, लेकिन बाद में सलीम जावेद और रमेश सिप्पी के समझाने के बाद वो फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद संजीव कुमार ने इसकी पूरी कहानी सुनी तो सबसे पहले गब्बर सिंह का रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि संजीव कुमार को लग रहा था कि ये रोल काफ़ी पावरफुल है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार गब्बर सिंह का रोल निभाएं, क्योंकि लोगों के बीच संजीव कुमार की इमेज
ऐसी बनी थी कि अकबर का रोल प्ले करने के बावजूद उन्हें सेम पथी मिल जाएगी, और वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वह चाहते थे गब्बर सिंह से लोग किसी भी तरह से भावात्मक रूप से ना जुड़ पाएं। और फिल्म में फाइनली ठाकुर साहब के किरदार के लिए संजीव कुमार को फाइनल किया गया। लेकिन जब इस फिल्म की कहानी धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर साहब का किरदार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और उन्होंने रमेश सिप्पी से बोला फिल्म के अंदर वो ठाकुर साहब का किरदार प्ले करना चाहते हैं। लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें फिल्म के अंदर वीरू का रोल ऑफर किया था, लेकिन धर्मेंद्र फिल्म के अंदर ठाकुर वाले रोल को प्ले करने के लिए अपनी बात पर अड़े रहे। जिसके बाद रमेश सिप्पी धर्मेंद्र को बोला फिल्म के अंदर हेमा मालिनी बसंती के किरदार में नजर आने वाली हैं, और फिल्म के अंदर वीरू का जो किरदार है वो बसंती से प्यार करता है और पूरी फिल्म के अंदर बसंती के आसपास ही रहता है। और रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से बोला अगर तुम ठाकुर का किरदार प्ले करोगे तो मजबूरी बस वीरू का किरदार संजीव कुमार को देना पड़ेगा। और इतनी बात सुनने के बाद धर्मेंद्र इस फिल्म में वीरू का किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि फिल्म शोले के स्टार्ट होने के लगभग एक या दो साल पहले से ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी के पीछे लगे हुए थे। हालांकि इस दौरान संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए अप्रोच किया था, और ये बात धर्मेंद्र को भी पता थी, इसलिए धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार हेमा मालिनी के पास नजर आए। और धर्मेंद्र ने सोचा फिल्म शोले के दौरान हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने और नजदीक आने का मौका भी मिल जाएगा, और इस वजह से वो वीरू का किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए थे। और फिल्म के अंदर तीन बड़े किरदार फाइनल हो जाने के बाद चौथी बारी थी जय के किरदार के लिए, और जय के किरदार के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन उस टाइम शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी कारणवश इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, जिसका अफसोस उन्हें आगे चलकर हुआ भी था। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के मना करने के बाद फिल्म राइटर सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को फिल्म में जय के किरदार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम रिकमेंड किया, जिनके रिकमेंड से ही प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन को साइन किया था। और फिल्म शोले की प्लानिंग फिल्म जंजीर के रिलीज होने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, और अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर से पहले एक के बाद उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इस वजह से रमेश सिप्पी अमिताभ बच्चन को साइन करने से पहले थोड़ा झिझक रहे थे। और इन सब कास्टिंग के बाद बारी थी फिल्म के सबसे दमदार रोल गब्बर सिंह की कास्टिंग के लिए, और गब्बर सिंह के रोल के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे डैनी डोन जंपा। डैनी को ही फिल्म शोले में गब्बर के रोल के लिए साइन किया गया था, डैनी ने भी इस रोल के लिए हाँ बोल दिया था। और उस टाइम डैनी के साथ फिल्म की कुछ फोटोग्राफ भी शूट किए गए थे, लेकिन आगे चलकर फिल्म शोले की शूटिंग के डेट 1975 में आने वाली फिल्म धर्मात्मा के साथ क्लैश करने लगी थी, जिसको वो ऑलरेडी पहले से ही साइन कर चुके थे, और डैनी के ना चाहते हुए भी फिल्म शोले उन्हें छोड़ना पड़ा था। जिसके बाद ये रोल अमजद खान को ऑफर हुआ, और उन्होंने इस फिल्म के लिए तुरंत हाँ बोल दिया, और इस तरीके से शोले फिल्म की मेन स्टार कास्ट फाइनल हुई। हालांकि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें आपको मालूम हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिसको लेकर के हम एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।